दोस्तों डंकी और सलार क्लैश के बीच आर्यन खान और शाहरुख खान वायरिफ स्टूडियो पहुंचे ताकि डंकी को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन दिला सके। दोस्तों डंकी और सलार दोनों का क्रेज फिलहाल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और सलार को पीछे करने के लिए किंग खान ने नया तरीका निकाला है। फिलहाल डंकी लो ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए शाहरुख खान ने यशराज स्टूडियो के साथ बहुत बड़ी डील की है। दोस्तों एक्टर से ज्यादा शाहरुख खान एक बिजनेसमैन वाला दिमाग रखते हैं और अब बात उनकी डंकी फिल्म की है तो बिजनेसमैन वाला शाहरुख एक्टिव हो चुका है। दोस्तों डंकी को यशराज ने बड़े पैमाने पर रिलीज करने का वादा किया है और विदेशों में डंकी को सलार से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज करेंगे। दोस्तों सलार भी इस रेस में पीछे नहीं है और अमेरिका में उनको 1980 स्क्रीन मिल चुके हैं। अब डंकी भी अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। हिंदी में डंकी को 5000 से ज्यादा स्क्रीन मिल सकते हैं। जब से यह साफ हुआ है कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी और प्रभास की सलार क्रिसमस पर टक्कर ले रही हैं, दोनों के फैंस आक्रामक हो गए हैं और इसी बात का डर था कि शाहरुख और प्रभास के फैंस एक दूसरे की फिल्मों पर हमला करेंगे। ट्विटर में यह काम शुरू हो चुका है और दोनों पक्ष एक दूसरे के फिल्म को दूसरी फिल्मों की नकल और रीमेक बताने में लग गए हैं। प्रभास के फैंस राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी डंकी को एक मलयालम फिल्म की नकल बता रहे हैं तो शाहरुख के फैंस प्रभास की सलार को तेलुगु फिल्म उग्रम का रीमेक बता रहे हैं। दोस्तों हालांकि दोनों फिल्में ओरिजिनल हैं और ये बात साबित हो गई। अगर डंकी सलार से आगे निकल गई तो लगातार एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर देने वाला शाहरुख खान पहला ऐसा स्टार बन जाएगा। सलार साउथ में भी बड़ी धूम मचाने वाली है लेकिन हिंदी में कोई फिल्म डंकी के आसपास भी नहीं है। फिलहाल जवान के KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। फिल्म की कमाई 1060 करोड़ हो चुकी है। दोस्तों अब डंकी और सलार का ये लड़ाई बहुत लंबा चलने वाला है, इसलिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि डंकी और सलार किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि डंकी या सलार कौन सी फिल्म आगे जाएगी।